अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोग के 12th क्लास की केकेशा बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है प्रॉमिस। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर नंबर 8 का? प्रॉमिस। और ये एक अफसाना है, कहानी है। ठीक है, और प्रॉमिस तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रॉमिस यानी कि वादा। आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर छोटा मोटा वादा ज़रूर किए होंगे कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगी, या फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब छोटा मोटा ज़रूर प्रॉमिस किए होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम ही है प्रॉमिस। ठीक है, और ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इमोशनल चैप्टर है। ठीक है, भावुक होने वाला। तो ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम लिखा ही रहता है। ठीक है, आप लोगों को कभी खुशी मिलेगी अपनी ज़िंदगी में, कभी गम मिलेगा, बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को चैप्टर भी पढ़ना है। कोई चैप्टर पढ़ को आप लोगों की खुशी महसूस होगी, और कोई चैप्टर पढ़कर आप लोग इमोशनल हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। उसी तरह ये जो चैप्टर है ये इमोशनल करा देने वाला चैप्टर है। वैसे इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर के बारे में देख लेते हैं। प्रॉमिस नाम के इस चैप्टर के मुसन्निफ़ है जिलानी बानो। क्या नाम है राइटर का? जिलानी बानो, जो कि एक औरत है, खातून है। ठीक है, जिलानी बानो की पैदाइश यानी कि उनका जन्म हुआ है 14 जुलाई 1936 को उत्तर प्रदेश के यानी कि यूपी के बदायूं में। उत्तर प्रदेश के बदायूं नाम का कोई जगह है, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मतलब बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई। ठीक है, और ऑप्शन में दे देता है बदायूं, अमृतसर, और भी ऑप्शन दे देता है। ठीक है, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? बदायूं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझते हुए आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1936 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़िए। इनके वालिद यानी कि इनके पिताजी का नाम क्या है? अल्लामा हैरत बदायूनी। ठीक है, वो उर्दू फारसी के शायर थे। इनके वालिद जो थे वो उर्दू फारसी के शायर थे, और उसके साथ साथ आलिम दीन भी थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। जिलानी बानो की तालीम एमए तक है। जिलानी बानो जो है ना, वो एमए तक पढ़ाई की, उसके बाद उनकी शादी 1959 में हो गई। ठीक है, मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर से हो गई। जिलानो बानो की शादी कब हुई? 1959 ईस्वी को मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। इनके अफसानवी मजमूए यानी कि अफसाने का किताब, कहानी का किताब का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है। जैसे कि देखिए, रोशनी के मीनार, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा, बात फूलों की, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इन्होंने कहानी के किताब को लिखा है। और भी बहुत सारा नाम दिया है आप लोगों के बुक में, बस जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ ही मैं यहाँ पर नाम लिखी हूँ, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि जिलानी बानो के अफसाने मजमूए का नाम बताइए, एक कहानी की किताब का नाम बताइए, तो इसमें से कोई आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिलानी बानो को गालिब अवार्ड, हिंदू कौमी हाली अवार्ड, नकूस अवार्ड, और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, ये सारी अवार्ड जिलानी बानो को मिल चुके हैं। यहाँ तक कि इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का जिलानी बानो के बारे में कुछ डिटेल्स, जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए जरा इस चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर में प्रॉमिस नाम के इस चैप्टर में जो मरकजी किरदार है यानी कि मेन किरदार है, ठीक है, वो कौन है? अम्मो नाम की औरत रहती है, जो कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, वो मेन रोल निभा रही है। ठीक है, तो ये अम्मो नाम की जो औरत रहती है, इसके चार बेटे रहते हैं। कौन कौन? रशीद, जमशेद, खुर्शीद और हमीद, ये चार बेटे रहते हैं। ठीक है, अम्मो के जो शौहर रहते हैं वो वकील रहते हैं, और अम्मो और उनके शौहर मिलकर अपने चारों बेटों को पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक इनके जो शौहर रहते हैं वो पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, और उसके बाद से अपनी पूरी जायदाद बेच देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, चारों बेटों को पढ़ाने के लिए, और फिर उनका इंतकाल भी हो जाता है अम्मो के शौहर का। ठीक है, लेकिन जो इनके जो चारों बेटे रहते हैं, चारों बेटे में से तीन जो बेटे रहते हैं, रशीद वो बड़ा होकर अमेरिका में इंजीनियर बन जाता है। ठीक है, जमशेद जो होता है वो बड़ा होकर न्यूयॉर्क में इंजीनियर बन जाता है, खुर्शीद जो होता है वो शिकागो में डॉक्टर बन जाता है, मतलब ये बड़े बड़े होकर अपना जॉब में लग जाता है, ये पढ़ाई लिखाई कर बड़ा आदमी बन जाते हैं। लेकिन जो हमीद रहता है ना, ये पढ़ाई में इसका मन ही नहीं लगता है, ये बचपन में ही नहीं पढ़ा करता है, बचपन में पढ़ने के बजाय, स्कूल में पढ़ने के बजाय वो स्कूल से भाग कहीं कर भाषण देने लगता था, सियासत में ज़्यादा रहता था, पॉलिटिक्स में ज़्यादा भाषण दिया करता था, और जिसके वजह से एक दिन क्या हुआ कि अपोजिट पार्टी के एक सदस्य को इसने मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद हमीद कहाँ चले गया? जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद तो इसकी किस्मत ही खुल गई, क्योंकि जब
ये जेल में गया तो बहुत सारे पार्टी के लोग आए और बोले कि तुम मेरी पार्टी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा। ठीक है, तो हमीद उन्हीं में से एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से वो पार्टी वाला इसको जेल से निकाल दिया और हमीद जो है अच्छा खासा इलेक्शन लड़ा और मतलब दबदबा बनाकर जीत भी गया इलेक्शन में। ठीक है, और वो मिनिस्टर बन गया। ठीक है, और दिल्ली में जाकर रहने लगा। ठीक है, अब जो है रशीद मतलब इस चारों बेटों की शादी हो जाती है। रशीद जो है वो अपने बाल बच्चों को लेकर अमेरिका में चला जाता है क्योंकि इनकी जो बीवी है वो हिंदुस्तान की गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, इसीलिए रशीद अपने बाल बीवी बच्चों को कहाँ लेकर चले जाते हैं, अमेरिका में। जमशेद जो रहते हैं वो अपने बीवी बच्चे को न्यूयॉर्क में लेकर चले जाते हैं। खुर्शीद जो है वो शिकागो में चले जाते हैं। ठीक है, अपने मतलब परिवार को लेकर। और जो हमीद रहते हैं ये दिल्ली में मतलब भारत में ही रहते हैं, भारत के दिल्ली में। ठीक है, मिनिस्टर बने रहते हैं। अब बेचारी अम्मो जो है वो अपने अकेली घर में रहती है, उसका पूरा घर मतलब सुनसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी चहल पहल उसके घर में नहीं मतलब दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका जो छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा रहता है हमीद, वो बोलता है कि आ जाओ माँ, अम्मो को बोलता है कि आ जाओ मेरे यहाँ रह लो। ठीक है, तो हमीद अपने घर बुलाता है अम्मो को, लेकिन अम्मो को वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं होता है। बस वही वो पापड़ ओपड़ बनाती रहती है मतलब वहाँ पर हमीद के घर जाकर। तो फिर हमीद क्या कर देता है, बोलता है कि जाओ आप अपने घर जाओ। तो फिर अम्मी अपने वापस जो पुराना वाला घर है वहाँ पर आ जाती है। अब वो घर, उस घर में सिर्फ अकेले अम्मो ही रहती है। ठीक है, और यहाँ तक कि इसके जो चारों बेटे रहते हैं एक नौकरानी रख देते हैं अम्मो के साथ। एक नौकरानी रहती है जिसका नाम रहता है ख्वाजा भी। ठीक है, अम्मो की खातिरदारी मतलब करती है, वही खाना वाना झाड़ू पोछा वही लगाती है। ठीक है, ख्वाजा भी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि अम्मो अकेली रहती है उस घर में और इसके चारों बेटे तो अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग मुल्क में रहते हैं। रशीद अमेरिका में, जमशेद न्यूयॉर्क में, खुर्शीद शिकागो में और हमीद जो है वो दिल्ली में रहता है। ठीक है, अब अम्मो बेचारी अकेले घर में रहती है। अब उसको मतलब बीमारी रहता है कैंसर का। ठीक है, और कई साल इस तरह बीत जाते हैं और अम्मो का जो कैंसर होता है उसके सारे बदन में फैल जाता है। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अम्मो को ना ये जो चारों बेटे रहते हैं वो ये प्रॉमिस किए रहते हैं, याद रखिएगा, प्रॉमिस नाम चैप्टर है। ठीक है, तो अम्मो को ये जो चारों बेटे रहते हैं ये प्रॉमिस किए रहते हैं कि अम्मो मैं जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा तो तुम्हारे डेड बॉडी को हम लोग कंधा देंगे, यानी कि और मतलब हम लोग चारों जो है तुम्हारे मतलब लाश को उठा कर ले जाकर दफन करेंगे। ठीक है, तो जो अम्मो है इस बात को याद रखती है और इस तरह 2-3 साल बीत जाता है, कई साल बीत जाते हैं, अम्मो का जो कैंसर होता है वो पूरे बदन में फैल जाता है और डॉक्टर मतलब बोल देता है कि 24 घंटा में अम्मो का इंतकाल हो जाएगा। वो मतलब हो सकता है कि वो नहीं बचेंगी, 24 घंटा के अंदर वो उनकी मौत हो जाएगी। ठीक है, अब जो अम्मो की नौकरानी रहती है ख्वाजा भी, वो चारों बेटे को पास लगातार फ़ोन करती है। ठीक है, और वो जो चारों बेटे रहते हैं वो सुनते हैं कि क्या अम्मी का मतलब क्या हो जाएगा, 24 घंटे में इंतकाल हो जाएगा, तब तो हमें प्रॉमिस याद है हमको, हम लोगों को जाना पड़ेगा अम्मो को कंधा देने के लिए। अब उनका वो मर जाएंगी तो उनको कंधा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो चारों बेटे रहते हैं ये यही बात सोच कर आए रहते हैं कि अम्मो 24 घंटे में उनका इंतकाल हो जाएगा, 24 घंटे में वो मर जाएंगी। ठीक है, तो ये सोच कर ये हमीद नहीं आता है, रशीद, जमशेद और खुर्शीद ये तीनों जन आए रहते हैं। हमीद बोलता है कि मैं दिल्ली में हूँ, जब भी अम्मी का इंतकाल हो जाए मेरी तो तुम लोग फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा, कंधा देकर चला जाऊँगा फिर। ठीक है, देखिए बेटे जो है कितना मतलब खुदगर्ज है। ठीक है, जो अम्मो है माँ मतलब उनकी माँ का तबीयत ख़राब है, 24 घंटे में मतलब उनका इंतकाल होने वाला है, फिर भी ये इसलिए आ रहे हैं कि कंधा देना है, ये इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अम्मो का तबीयत खराब है जरा उनको देख ले, नहीं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है, मजबूरी में इनको आना पड़ रहा है चारों बेटे को। ठीक है, तो तीन तो आ गए रहते हैं अम्मो के पास। ठीक है, अम्मो पूरे मतलब सोई रहती है, पूरा वो मरने हो गई रहती है। ठीक है, तो तीनों बेटे आ जाते हैं, हमीद नहीं आता है और तीनों बेटों को देख कर अम्मो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ठीक है, अपने पोते पोतियों को देख कर बहुत ज़्यादा अम्मो खुश होती है। ठीक है, और यही शायद खुशी होती है जो अम्मो को धीरे धीरे ठीक करने लगती है। ठीक है, अब 24 घंटा में ठीक है जो अम्मो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, यहाँ तक कि उसकी मौत नहीं होती है, अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। क्यों ठीक होने लगती है, क्योंकि वो अपने तीनों बेटों को देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने पोते पोतियों को देखती है, इस तरह देखकर मतलब उसका बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो 24 घंटा में उसकी मौत नहीं होती है। और पूछती है अम्मो कि हमीद क्यों नहीं आया, तो वहाँ के जो उसकी बहू रहती है वो बताती है कि हमीद जो है वो दिल्ली में है, वो कभी भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अम्मो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब इसके तीनों बेटे देखते हैं कि अम्मो मेरी माँ जो है वो ठीक होने लगी, वो तो मर ही नहीं रही है। ठीक है, तो अब इनको टेंशन होने लगा कि ये तो मेरी माँ मर ही नहीं रही है, इनको मर जाना चाहिए ताकि हम जल्दी से कंधा देकर हम लोग फिर अपने जॉब पर निकल जाए, अपने अपने घर चले जाए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखते हैं कि अम्मो मर ही नहीं रही है, तो धीरे से जो अम्मो की नौकरानी रहती है ख्वाजा भी, उसको पैसे देते हैं, रियाल और डॉलर देते हैं,
और पैसे देकर बोलते हैं कि अम्मों की खैरियत बताते रहना और उनका मतलब क्या करना, देखभाल करते रहना। और धीरे से ये जो तीनों बेटे हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है, अब चले जाते हैं। रशीद चला जाता है अमेरिका में, जमशेद चला जाता है न्यूयॉर्क में, और खुर्शीद चला जाता है शिकागो में, ठीक है। और इस तरह तीनों बेटे देखते हैं कि अम्मों का इंतकाल नहीं हुआ, तो धीरे से निकल कर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ये बात शायद जो है अम्मो सुन लेती है, ठीक है, उन तीनों बेटों को पैसा देते हुए नौकरानी को देख लेती है, और उसको एहसास हो जाता है कि जो मेरे बेटे हैं वो मुझे उतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, और वो सिर्फ पैसे की लालच में और खुदगर्ज हो गए हैं, ठीक है। और क्या करती है, ये सारी चीज़ें सोचती है अम्मो, ठीक है, और देखती है कि इसके तीनों बेटे चले गए। और जब ख्वाजा भी कमरे में आती है तो क्या देखती है, अम्मो जो है उनका इंतकाल हो गया है, वो गिर पड़ी है, मर गई है। वो क्यों मरी है, क्यों उनका इंतकाल हुआ है, क्योंकि जो अम्मो है उसको अपने बेटे तो मिले लेकिन बेटे की मोहब्बत नहीं मिली, ठीक है। बेटे जो है उसके खुदगर्ज हो गए थे, अपनी माँ को उस हालत में छोड़कर चले गए, ठीक है। और यही बात सोचकर जो है अम्मो का इंतकाल हो जाता है वहीं पर। और ख्वाजा भी जो है वो अपने फिर से उनके बेटे को फ़ोन नहीं करती है, वो डायरेक्ट जो मतलब दफनाने वाले होते हैं उनके पास कॉल करती है और बोलती है कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है अम्मो का, आप लोग ले जाकर इसको दफना दीजिए, ठीक है। और इसका बेटे चले जाते हैं अपने अपने देश में, अम्मो वहाँ पर उनका इंतकाल हो जाता है। तो यहीं पर आप लोगों का ये जो कहानी है वो ख़त्म होता है, और ये अफसाना भी ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब चलिए जरा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट। अब चलिए जरा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। देखिए स्टार्ट होता है आप लोगों का सवाल आप बताए से, यानी कि आप लोगों को बताना है। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जिलानी बानो की पैदाइश कब यानी कि किस डेट को और कहाँ यानी कि किस जगह पर हुई। तो 14 जुलाई 1936 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिलानी बानो की पैदाइश हुई, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। दूसरा सवाल है जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। आप लोगों को जिलानी बानो के कोई एक अफसाने कहानी का नाम बता देना है, तो ये लिखी हुई इसमें से कोई एक का नाम बता दीजिएगा, हो गया आप लोगों का जवाब। देखिए तीसरा सवाल है जिलानी बानो के दो नाविलों के नाम बताएं। यहाँ पर आप लोगों को जिलानी बानो के दो नाविल का नाम बताना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई कि जिलानी बानो जो है ना वो अफसाना भी लिखी है, यानी कि वो अफसाना निगार भी है, और जिलानी बानो नॉवल भी लिखी है, और इसलिए इनको आप नॉवल निगार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिलानी बानो ने दो नॉवल लिखी है, एक ईवान गज़ल और दूसरा है बारिश संग। मैं आप लोगों को लिख कर बता दे रही हूँ, एक मिनट। पहला नॉवल का क्या नाम है, ईवान गज़ल, ठीक है, ईवान गज़ल, और जो दूसरा है वो है बारिश संग, ठीक है, बारिश संग, ठीक है। ये दो नावल जो है वो जिलानी बानो ने लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का जवाब। चार नंबर सवाल है अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। ये जो आप लोगों का अफसाना कहानी है प्रॉमिस, इस प्रॉमिस नाम के अफसाने में कौन मरकजी किरदार है, मेन कैरेक्टर है, तो वो है अम्मो। अम्मो नाम की जो औरत रहती है वो इस चैप्टर का मरकजी किरदार है, मेन कैरेक्टर है। तो ये हो गया आप लोगों का जवाब। पाँच नंबर सवाल है प्रॉमिस अफसाने के दो किरदार के नाम बताएं। यहाँ पर जो प्रॉमिस नाम का अफसाना है इसमें से कोई दो किरदार का नाम बताएं, दो कैरेक्टर का नाम बता देना है। अम्मो है, रशीद है, जमशेद है, खुर्शीद है, हमीद है, इसमें से कोई दो का नाम बता देना है, दो कैरेक्टर का। हो गया आप लोगों का जवाब। छः नंबर सवाल है कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो वो है अम्मो, अम्मो के सारे बदन में कैंसर फैल गया था, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का जवाब। सात नंबर सवाल है ख्वाजा भी कौन थी। तो ख्वाजा भी नौकरानी थी जो कि अम्मो के घर में रहती थी, ठीक है, और नौकरानी को खात्मा बोला जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो ख्वाजा भी थी वो खात्मा थी, ठीक है। आठ नंबर सवाल है ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ ज़िंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया, यह बात किसने कही, ठीक है, ये बात किसने कही है। तो ये अम्मो की बहू रहती है, मतलब खुर्शीद की बीवी रहती है ना, खुर्शीद से यही बात बोलती है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह जवाब हो सकता है कि ये जो बात कही गई है, ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ ज़िंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया, ये बात अम्मो की बहू ने कही है, ठीक है। अब बात आती है नौ नंबर सवाल की, अम्मो ने अपने बेटे से क्या प्रॉमिस लिया था। तो अम्मो ने अपने बेटे से प्रॉमिस यही लिया था कि वो जब उनका इंतकाल हो जाए तो वो उनका जनाजा उठाए, मतलब उनका कंधा दे, ठीक है। तो जनाजा उठाने का अम्मो ने अपने चारों बेटों से प्रॉमिस लिया था, ठीक है। दस नंबर सवाल है अम्मो यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने और कब कही, ठीक है। तो अम्मो को जब मतलब वो उनका इंतकाल होने वाला था तो अम्मो को उसकी जो बड़ी बहू है वो बोली कि अम्मी यासीन पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। तो ये बड़ी बहू ने कही है, अम्मो की बड़ी बहू ने, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का जवाब। अब बात आती है मुख्तसर गुफ्तगू की, यानी कि जिसमें आप लोगों को चार पाँच सेंटेंस में आंसर लिखना होता है। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि अम्मो के एक बेटे हमीद के बारे में बताएं, यानी कि अम्मो का जो
छोटा बेटा, एक बेटा हमीद है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताई ही कि जो हमीद है ये बचपन से ही पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ने में इसका दिल नहीं लगता था, ये सबसे ज़्यादा भाषण किया करता था और सियासत में ज़्यादा रहता था, पॉलिटिक्स में। ये सारी चीज़ें जो जो मैं आप लोगों को बताई वो लिख देना है हमीद के बारे में, ठीक है। दूसरा सवाल है, अम्मो के चारों बेटों के नाम और उनके काम बताएं, ठीक है। अम्मो के चारों बेटे का नाम और उनका काम बताना है, तो उसका तो सारा चीज़ मैं लिख दी हूँ। रशीद जो है वो इंजीनियर है, जमशीद जो है वो भी न्यूयॉर्क में इंजीनियर है, खुर्शीद जो है वो शिकागो में डॉक्टर है, और हमीद जो है वो भारत में मिनिस्टर है। तो ये आप लोगों को इसी तरह कर लिख देना है। तीन नंबर सवाल है, अम्मो दुखी क्यों थी? तो अम्मो इसलिए दुखी थी क्योंकि वो अपने घर में सिर्फ अकेली थी, उसके चारों बेटे थे वो छोड़कर उसको दूसरे देश में चले गए थे, दूसरे मुल्क में चले गए थे अपने परिवार को लेकर। इसलिए अम्मो दुखी थी क्योंकि उसका घर सुनसान था, ठीक है, कोई उसके साथ बात करने वाला नहीं था, उसका जो घर है वो एक तरह से खंडर बन गया था, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। चार नंबर सवाल है, अम्मो के बेटे ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया? अम्मो के बेटे ने उनके मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया? आप लोगों को खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो अम्मो के बेटे हैं वो खुदगर्ज थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था अम्मो से कि जब आपकी मौत हो जाएगी तो हम आपको कंधा देने के लिए आएंगे। और जब वो लोग आए कंधा देने के लिए, मतलब जनाजा उठाने के लिए, उन लोगों को लगा कि अब अम्मो का इंतकाल हो जाएगा, और जब वो लोग आए तो अम्मो की इंतकाल नहीं, वो ठीक होने लगी, जिसकी वजह से उनके जो तीनों बेटे हैं उनको छोड़कर चले गए और उनका साथ नहीं दिया, ठीक है। अब बात आती है तफसीली गुफ्तगु की, यानी कि जिसमें आप लोगों को तफसील से लिखना होता है लंबा चौड़ा, ठीक है। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि अफसाना प्रॉमिस की रोशनी में आज के अहद के इंसानी रिश्तों पर इजहार ख्याल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है जो अफसाना प्रॉमिस है, अफसाना इस कहानी के ज़रिए से अभी के आज के दौर में जो इंसान है, इंसानों के बीच रिश्तों का इजहार करना है इस कहानी का ज़रिया बनाकर, ठीक है। तो ये आप लोग लंबा चौड़ा खुद से लफ्ज़ों को सजा कर लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल है, प्रॉमिस अफसाने की तलखीश पेश कीजिए। यहाँ पर जो अफसाना प्रॉमिस है, ये कहानी है, इसका सारांश आप लोगों को बताना है, शॉर्टकट में बता देना है। जैसे कि मैं अभी एक घंटा का कहानी सुनाऊँ और उसी एक घंटा की कहानी को शॉर्टकट में अगर मैं 5 मिनट में सुना दूँ तो उसी को बोला जाता है सारांश, ठीक है। तो मतलब ये जो प्रॉमिस नाम का अफसाना है, इसको आप लोगों को शॉर्टकट में सारांश इसका बताना है कि इसमें क्या क्या बताया गया इस कहानी में, यही बताना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल है, प्रॉमिस अफसाने की रोशनी में जिलानी बानो की किरदार निगारी को वाजी कीजिए, ठीक है। जो है ना प्रॉमिस इस अफसाने की, मतलब इसकी रोशनी में आप लोगों को जिलानी बानो की किरदार निगारी, यानी कि वो मतलब कैसे किरदार को अपने अफसाने में रखती है और किरदार की मतलब जो एक्टिंग मतलब करवाती है उसके बारे में, मतलब किरदार निगारी के बारे में उन लोगों को बताना है कि वो किस तरह के किरदार इस कहानी में पेश की है, किस किस तरह के किरदार हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है कि जिलानी बानो जो है वो अपने अफसाने में किस तरह का कैरेक्टर का यूज़ करती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।